तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमें साहब से हालचाल तो पूछते हो, लेकिन आप वापस कुछ रिप्लाई नहीं देते, तो इस बार दे ही देना कमेंट बॉक्स में। चलो आज की वीडियो के बारे में बात करता हूँ। तो आज का जो वीडियो बेसिकली इसके बारे में है, अगर आप अपनी बाइक को विदाउट की ऑन कैसे कर सकते हो। ये ज़्यादातर नॉर्मली किस बाइक को प्रॉब्लम आती है भी बता देता हूँ। हमारी जो बाइक्स होती है उसमें ये दे रखा होता है किक के लिए, लेकिन जो 150 से जो अबव आती है, मतलब उससे ज़्यादा, क्योंकि आप वेरिएंट लेते हो, नए आ रहे हैं अभी सारे वेरिएंट, उसमें एक एक आपको नहीं मिलती है। तो उससे दिक्कत कब होती है? जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है बाइक की, तब उस समय वो दिक्कत आती है कि आप इसे ऑन कैसे कर पाते हो। मेरे साथ भी ऐसा एक बार हो रखा। आपने 180 का वो माइलेज देखा होगा पल्सर का, उसमें मेरे साथ ये दिक्कत आई थी। तो उस वीडियो में इंक्लूड नहीं की थी इस चीज़ को, लेकिन मैं सोचा था इसके जो अगला वीडियो होगा उसमें ज़रूर बताऊँगा। तो आज इसके बारे में आप कुछ बात करता हूँ। तो क्या होती है, एक तो ये बाइक कुछ ज़्यादा ही मतलब पावरफुल है, तो इसमें बैटरी पावरफुल चाहिए, तो लमसम 1-1.5 साल तो चल जाती है। लेकिन उस बाद में जब बैटरी वीक हो जाती है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि वीक कैसे, आप कहीं बाहर जाओ तब ये ज़्यादा चांस रहता है उस समय डिस्चार्ज हो जाए। तो अपनी बाइक को आप कैसे ऑन कर सकते हो, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान से स्टेप है जो आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो चलो दोस्त, मैं बता देता हूँ आपको कैसे ऑन करनी है बाइक को। तो दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, इग्निशन को ऑन करना है, और ये किल स्विच है इसको भी ऑन कर देना है। फिर आपको क्या करना है, तो बाइक को क्या है, फर्स्ट सेकंड गियर में नहीं रखना है, आप इसको हाई गियर में पुल करना है। मेरी इस गाड़ी में 5 गियर है, तो इसमें 5 में करूँगा। अगर आपकी बाइक में 6 गियर है, तो सब 6 में लो, या 4 गियर है तो उसे 4 गियर, मतलब सबसे हाईएस्ट गियर में आपको बाइक को रखना है। ये ऑन ही, अभी न्यूट्रल में इसको हाई में डाल देता हूँ मैं। तो दोस्तों, अब क्या करना है आपको, आगे का प्रोसेस तो मैं आपको बता चुका हूँ। हाई गियर, इग्निशन और चाबी ऑन रखना है, ठीक है। किक आपको यूज़ नहीं करनी है, सेल आपका डिस्चार्ज है। तो इसको क्या है, पहले तो हल्का सा यूँ पुश करना है, पहले हल्का सा हिलाना है कि जो चैन है वो एकदम एग्री जा रहा है, आपको उसको हिलाना है। देखा, हल्की सी बाइक ने ऑन करने को ट्राई किया, लेकिन ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं हो पाया, इससे बाइक फिर से बंद होगी। तो थोड़ा इसको जोर से घुमाना पड़ेगा ताकि ये ऑन हो जाए। कि आपको इस तरह रखना है ताकि आपके हाथ को भी थक के इसे घुमाना है थोड़ा। दोस्तों, मैं आपको दूसरा एंगल से बता देता हूँ ताकि आप श्योर हो जाओ कि इसको किसी और वे से स्टार्ट नहीं किया गया है। इसी तरीके से स्टार्ट किया है, वापस हुई सिस्टम किया, और देख सकते हो भाई स्टार्ट की जो लाइट है वो भी स्टार्ट हुई। तो दोस्तों, वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, और क्या ये आपके लिए यूजफुल था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक नया अपडेट ये है कि हॉर्नेट वर्सेस पल्सर की ड्रैग रेस जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। अभी तक उसकी एडिटिंग चल रही थी, जो अपने मैं फ्रेंड्स को दे रखी थी, फाइनली वो कटिंग कल तक पूरी हो जाएगी। तो मैं कल वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसी भी वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर ये ट्रिक यूज़फुल थी तो वो भी बताना कि आपके लिए वो कैसे यूज़ की, और क्या ये यूज़फुल थी ट्रिक आपके लिए। चलो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कहता हूँ आपको अलविदा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। Keep watching.